गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम हिना, योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी. टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग लेसन नंबर 3, फॉर्मेटिंग एंड सेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मीन्स MS वर्ड. आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया है अपने कंप्यूटर पे. हम उसका यूज़ क्या करते हैं? लेटर लिखने के लिए, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए, कुछ आर्टिकल लिखने के लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं. सो इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी लाइन के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो. इन दिस चैप्टर रिव्यू ऑफ सम MS वर्ड फॉर्मेटिंग कमांड्स, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग, प्रीव्यूइंग अ डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. ये टॉपिक हमें इस लेसन में सीखने हैं. वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड टू गेट नीट मिस्टेक फ्री मैटर एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर एप्लीकेशन. वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें मिस्टेक फ्री मैटर प्लस पॉपुलर है. ये हमारे लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं, वो भी एरर फ्री. मैनी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस आर अवेलेबल सच एज ओपन ऑफिस राइटर, नोटपैड, वर्डपैड एंड MS वर्ड. जैसे वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड है, वैसे ही उससे मिलता जुलता ओपन ऑफिस राइटर है, नोटपैड है, वर्डपैड है एंड MS वर्ड है. यू ऑलरेडी नो अबाउट सम फॉर्मेटिंग टूल्स ऑफ MS वर्ड सच एज बोल्ड फेसिंग, अंडरलाइनिंग, इटालिजाइजिंग एंड हाईलाइट वर्ड्स एंड चेंजिंग द फॉन्ट टाइप एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट. मीन्स देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वर्ड को बोल्ड कर सकते हो, इटालिक कर सकते हो, अंडरलाइन दे सकते हो उस वर्ड पर, या तो फिर फॉन्ट चेंज कर सकते हो, या तो फिर फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो. लेट अस रिव्यू दिस एंड एक्सप्लोर अदर पावरफुल कमांड टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन MS वर्ड. तो इस लेसन में हमें ये सारे प्रोसीजर सीखनी है. रिव्यू ऑफ MS वर्ड फॉर्मेटिंग कमांड्स मीन्स हमें कौन कौन से कमांड मिल जाएगा इसमें जब हम किसी वर्ड को फॉर्मेट करते हैं. तो सबसे पहला है बोल्ड, फिर है इटालिक, उसके बाद है अंडरलाइन. टू मेक अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द माउस, देन प्रेस द फॉलोइंग ऑन द होम टैब इन द फ्रंट ग्रुप. देखो, आपको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना है तो सबसे पहले उस वर्ड या उस लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ माउस. देन उसके बाद आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो. बोल्ड के लिए बी का सिंबल है, इटालिक के लिए आई का सिंबल है और अंडरलाइनिंग के लिए यू का सिंबल है. ठीक है. टू रिमूव एनी ऑफ दी सिलेक्ट द मैटर एंड प्रेस द आइकन अगेन. अब आपको ये वर्ड जैसे आपने बोल्ड कर दिया पर आप चाहते हो कि मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोबारा उसी वर्ड को, उसी लेटर को सिलेक्ट करोगे और अगेन आप बोल्ड को प्रेस करोगे. चेंजिंग फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज. अब फॉन्ट और फॉन्ट की साइज कैसे चेंज होती है? टू चेंज द फॉन्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड फॉलो दिस स्टेप. फॉन्ट की साइज़ चेंज करने के लिए सबसे पहले जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ माउस. स्टेप वन, गो टू द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब एंड क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फ्रंट नेम. अ फॉन्ट ड्रॉप्स डाउन मेनू विद अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट अपीयर्स. सबसे पहले आपकी जो होम टैब ऑलरेडी ऊपर खुली रहती है वहाँ जाओ, देन एक एरो मिलेगा, ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद ये नीचे ये वाला एरो है आपका, ये वाला, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे.
ठीक है, सिलेक्ट द फॉन्ट यू वॉन्ट, जो आपको फॉन्ट चाहिए आप वो सिलेक्ट करो. टू चेंज द फॉन्ट साइज सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड गो टू द फॉन्ट ग्रुप इन द होम टैब. अब आपको फॉन्ट साइज चेंज करनी है तो उसी के साथ आपको फॉन्ट साइज का भी फॉर्मेट मिलेगा, तो वहाँ पर क्लिक करो और उसके बाद आपको जो भी 12, 16, 18, 20 जो भी फॉन्ट साइज चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो. क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज, सिलेक्ट द फॉन्ट साइज यू वॉन्ट, फॉन्ट साइज इज मेजर इन द पॉइंट. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यू कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ बाई चेंजिंग इट्स अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. लेट अस लर्न दिस ऑप्शन इन डिटेल. अब आपको कोई पर्टिकुलर एक पैराग्राफ फॉर्मेट करना है तो उस फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. सबसे पहले हम अलाइनमेंट देखेंगे. अलाइनमेंट मीन्स प्लेसिंग द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट चेंजिंग द अलाइनमेंट बाय मेकिंग यूज ऑफ द अलाइनमेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम टैब. जहाँ से आप फॉन्ट का नेम सिलेक्ट करते हो, मतलब फॉन्ट आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में चाहिए, उसी के साथ आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा. अब अलाइनमेंट क्या है, आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है तो देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये चार ऑप्शन है, ठीक है. ये जो ऑप्शन है लेफ्ट वाला, तो जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपका सारा लेफ्ट में जाएगा. ये जो है अलाइनमेंट, ये आपका राइट में जाएगा, ठीक है. और ये जो टेक्स्ट लिखा है ये आपका सेंटर में जाएगा. और लास्ट वाला आपका अलाइनमेंट है जस्टिफाइड, ठीक है. तो अलाइनमेंट क्या, एक पर्टिकुलर आपने वर्ड में चार पांच लाइन लिखी है, उस चार पांच लाइन में से आपको वो सारी की सारी लाइन अगर लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करोगे, राइट साइड में चाहिए तो आप राइट का यूज़ करोगे, सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर का यूज़ करोगे, मीन्स टिक करोगे, देन जस्टिफाई लास्ट में आपका जस्टिफाई का यूज़ करोगे आप, ठीक है. तो आपके अलाइनमेंट के चार ऑप्शन हैं आपके पास, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. देखो इस वाली फिगर में आपको डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट दिखा रखे हैं. सबसे पहले यहाँ पर देखो ये जो पैराग्राफ है आपका, ये वाला पूरा ये लेफ्ट साइड में है क्योंकि यहाँ पर हमने लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ किया है. ये आपका पूरा पैराग्राफ राइट साइड में है, यहाँ पर हमने राइट अलाइनमेंट का यूज़ किया है. ये हमारा सेंटर में है, देखो यहाँ की लाइन और यहाँ की लाइन सेम साइज में है तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है. और लास्ट है अपना जस्टिफाई, तो जस्टिफाई देखो ये और ये बिल्कुल मतलब फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक सेम है, ठीक है. तो ये हमारे अलाइनमेंट हो गए. अलाइनमेंट के चार ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर. सो रिमेंबर दिस, ओके. नाउ नेक्स्ट है इंडेंटेशन. इंडेंटेशन रिफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड पेज मार्जिन. द वेरियस टाइप ऑफ इंडेंटेशन आर. इंडेंटेशन क्या है देखो, अब जैसे मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आप राइट इंडेंटेशन देते हो तो आपने ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद आप यहाँ से एक इंडेंटेशन देते हो. ये देखो ये पूरा पैराग्राफ कर जाती है, राइट साइड में है ये पूरा पैराग्राफ, ये हमारा राइट इंडेंटेशन हो गया. ये पैराग्राफ हमारा लेफ्ट साइड में है तो ये लेफ्ट हो गया. और ओनली फर्स्ट लाइन को मुझे इंडेंटेशन देना है तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन पर दे दिया. और लास्ट में क्या है, हैंगिंग इंडेंट, मीन्स फर्स्ट लाइन हमारी एज इट इज़ है, उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है वो हमारी हैंगिंग इंडेंटेशन है. तो ये फोर टाइप्स के हमारे पास इंडेंटेशन है, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन एंड हैंगिंग इंडेंटेशन. तो हमारे पास फोर टाइप के ये
इंडेंटेशन है. राइट इंडेंटेशन. दिस इंडेंटेशन लेट अस स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग टू बी गिवन फ्रॉम द राइट मार्जिन. मीन्स राइट मार्जिन से हम स्पेसिंग देंगे. लेफ्ट में क्या है? दिस इंडेंटेशन लेट अस यू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग टू बी गिवन फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. स्पेशल इंडेंट मीन्स देर आर अ टू स्पेशल इंडेंट. कौन कौन से? फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग. दिस इंडेंटेशन मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इंडेंटेड मोर टूवर्ड्स द राइट कंपेयर्ड टू द सबसिक्वेंट लाइन्स. मीन्स फर्स्ट लाइन हमारी, देखो फर्स्ट लाइन हमारी इंडेंटेशन होगी, बाकी की सेकेंड और थर्ड एज इट इज़ होगी. और हैंगिंग में क्या था? फर्स्ट लाइन एज इट इज़ रहेगी और नीचे की सेकेंड और थर्ड लाइन वो हमारी इंडेंटेशन मीन्स थोड़ी सी मूव हो रखी होगी. दिस इंडेंटेशन मेक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ इंडेंटेड मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट कंपेयर टू द सबसिक्वेंट लाइन. To set the indentation of the text, follow this step. तो ये प्रोसीजर के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? Select the text to be indented, means जिस भी लाइन को या जिस भी टेक्स्ट को आप इंडेंटेशन देना चाहते हो, सबसे पहले उसको with the help of mouse select करोगे. Then click on the page layout tab, means उसके बाद पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करोगे. देखो यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है. फर्स्ट स्टेप में है आपके, फर्स्ट स्टेप में है कि आप सबसे पहले सिलेक्ट करो माउस से, ठीक है. ये होने के बाद सेकंड स्टेप है पेज लेआउट पे क्लिक करो. और थर्ड है आपको जितना भी इंडेंटेशन मीन स्पेस देना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 0.5, ठीक है. तो ये हम ऐसे इंडेंटेशन देंगे. नाउ थर्ड स्टेप क्या है? डू वन ऑफ द फॉलोइंग. अ स्पेसिफिक द वैल्यू फॉर लेफ्ट राइट इंडेंट अंडर द पैराग्राफ ग्रुप. मीन्स आप पैराग्राफ ग्रुप में भी जा सकते हो. कैसे? सबसे पहले जो आपने यहाँ से फर्स्ट स्टेप में ये जो सिलेक्ट किया है इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये वाली टैब खुल जाएगी, पैराग्राफ वाली. अब ये टैब खुलने के बाद आप सेकंड प्रोसीजर क्या करोगे? क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप. द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन, ठीक है. सबसे बाद में क्या करोगे? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का बटन जो है उस पर क्लिक करोगे, फिर हमारा पैराग्राफ ग्रुप ओपन हो जाएगा. सेट द वैल्यू फॉर लेफ्ट राइट इंडेंट और चूज वन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी इंडेंट एंड इट्स वैल्यू इन द बाई स्पिन बॉक्स. फिर यहाँ पर लेफ्ट राइट आप जो भी लाइन को इंडेंट देना चाहते हो वहाँ पर आप अपनी वैल्यू प्लेस करोगे. द इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप अंडर द होम टैब कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ. मीन्स आपको इंडेंट इंक्रीज मीन्स राइट साइड में करना है या डिक्रीज मीन्स लेफ्ट साइड में करना है, उसके बटन आपको होम टैब के ऊपर मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग रिफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन द पैराग्राफ इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. मीन्स लाइन स्पेसिंग क्या है? एक आपने 5 लाइन का पैराग्राफ लिखा है, ठीक है. अब उस एक लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको 0.5 स्पेस चाहिए या 1 सेंटीमीटर का स्पेस चाहिए या 2 सेंटीमीटर का, एज यू डिपेंड ऑन यू. सो लाइन स्पेसिंग भी एक आपके पास फॉर्मेटिंग टूल है. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस स्पेस बाय गिवन स्टेप. मीन्स दो लाइन के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो उसके लिए नीचे स्टेप दिए गए हैं. सिलेक्ट द टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर विच यू वांट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग. क्लिक ऑन द होम टैब. अब क्या है? जो भी आपको स्पेस देना है, ठीक है, तो उसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाओगे. होम टैब पे जाने के बाद क्लिक ऑन द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप. देन ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स.
सिलेक्ट द सूटेबल स्पेसिंग वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप है आपका यहाँ से आपने अपना पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेकंड स्टेप है होम टैब पर गए। अब होम टैब पर जाने के बाद देखो ये जो अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है इसके साथ वाला ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, थर्ड स्टेप। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा। तो अब देखो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पैराग्राफ, उस दो लाइन के बीच में स्पेस है ना। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ 1.25, ठीक है। वन फोर्थ स्टेप हमारा है कि हमें कितना स्पेस चाहिए। अब मैंने यहाँ पर 1.25 सिलेक्ट कर लिया, देन नीचे देखो सारी लाइन एक साथ में आ गई। इस लाइन में और इस लाइन में कितना डिफरेंस है, ये पैराग्राफ के बीच में लाइन है, इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसीजर है लाइन स्पेसिंग की। हम यहाँ से लाइन के बीच की स्पेस कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे दो लाइन के बीच में हमने स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज की है, सेम वैसे ही हम दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? पैराग्राफ स्पेसिंग रिफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस अबो और बिलो अ पैराग्राफ। यू कैन सेट पैराग्राफ स्पेसिंग बाय फॉलोइंग स्टेप। मीन्स आप पैराग्राफ के ऊपर या पैराग्राफ के नीचे दोनों जगह से आप स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टेप सिलेक्ट द पैराग्राफ बिफोर और आफ्टर विच यू वॉन्ट टू चेंज द स्पेसिंग। क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, सिलेक्ट द रिक्वायर वैल्यू इन द बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्सिस अंडर स्पेसिंग इन द पैराग्राफ ग्रुप। मीन्स सबसे पहले जो पैराग्राफ को आपको स्पेस देना है वो पैराग्राफ सिलेक्ट करोगे, उसके बाद पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करोगे, देन आपको कितना स्पेस चाहिए, कितना स्पेस की वैल्यू चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फिगर में दिखा रखा है, सबसे पहला स्टेप है ये हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट करना, ठीक है, स्टेप वन। स्टेप टू है हमारा पेज लेआउट पर क्लिक करना, ठीक है, और थर्ड स्टेप है हमें स्पेस कितनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ मीन्स आपको ओनली बिफोर में चाहिए तो आप बिफोर की वैल्यू चेंज करोगे, आपको आफ्टर में चाहिए तो आप आफ्टर की वैल्यू चेंज करोगे। तो ऐसे हम पैराग्राफ की स्पेस सेटिंग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट, थैंक यू।